सियासत का अजब ही फसाना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से किसको टिकट मिल चुका है और किसी को नहीं मिल रहा है। जिसको मिल चुका है वो जीत का दावा कर रहे हैं और जिसको नहीं मिला है वो शिकायतें कर रहे हैं। ऐसा ही मामला केसरगंज से आया है, जब मीडियाकर्मी ने बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा कि आपको अभी टिकट क्यों नहीं मिला, तो वो मीडिया पर ही आरोप लगा बैठे। उन्होंने कहा कि मेरे टिकट में देरी के लिए मीडिया जिम्मेदार है। गोंडा में मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि टिकट की चिंता मेरी है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की वजह से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा में देरी हो रही है। बता दें, भाजपा ने अभी तक केसरगंज से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। केसरगंज में पाँचवें चरण में 20 मई को मतदान होने हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह दरअसल गोंडा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मिलना और उनके घर जाकर ईद मनाना कोई अपराध नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वो हर चीज़ को राजनीति से ना जोड़ें। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं समाज को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांटकर राजनीति नहीं करता। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज से 3 बार के सांसद हैं। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उनके टिकट में देरी हो रही है। बीजेपी ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल ने यहां से अपने उम्मीदवार की अभी तक तय नहीं किए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से केसरगंज सीट सपा के पास है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ से टिकट नहीं देती है तो वो सपा की तरफ रुख कर सकते हैं। केसरगंज लोकसभा सीट लंबे समय तक सपा के पास थी। सपा के कद्दावर और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे बेनी प्रसाद वर्मा यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं। 2008 में भाजपा से कुछ खटपट हुई तो ब्रजभूषण ने सपा का दामन थाम लिया और सपा के टिकट पर यहां से सांसद बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर से भाजपा में आ गए। तब से सीट भाजपा के खाते में है और ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद हैं।